विद्यार्थियों उपयुक्त अध्ययन आपको शास्त्री बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा बीकानेर से करवाया जा रहा है। आप कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका दूसरा अध्याय संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का कर रहे हैं। पूर्व में मैंने आपको सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में बताया और प्रशासन के अंदर हमने सुल्तान, अमीर, मजलिसे खलवंत, इसके बारे में मजलिसे खलवंत के बारे में आपको बता रहे थे। और हमने ये देखा कि मजलिसे खलवंत के अंदर चार विभाग हमने देखे, वजीर, आरिद मौलिक, दीवाने इंसार, दीवाने रिसालत, जिसका पहला विभाग हमने पढ़ा वजीर, और वजीर शासन का प्रधान होता था जिसमें मुस्तफी खदीर और मजम आधार का पढ़ा था। मजम आधार का जो कर्मचारियों को वेतन दिया करता था और हिसाब किताब रखा करता था उसे कहते थे मजम आधार। वैसे अगर देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में, अगर देखा जाए दीवाने वकूफ और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में दीवाने मुस्कराज एक विभाग हुआ करता था और वो विभाग भी इसी विभाग के अंतर्गत आता था, यानी वित्त विभाग के अंतर्गत आया करता था। तो वित्त विभाग के अंतर्गत वो आया करता था। दूसरी बात, मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भी एक विभाग की स्थापना की थी जिसको कहते थे दीवाने अमीर कोशी। उसके बाद बात आती है दीवाने इंसा की। दीवाने इंसा पर क्या है, शासन जो था वो शाही पत्र व्यवहार का काम था, सारा का सारा शाही पत्र व्यवहार जो होता था वो ये करता था। इसी प्रकार से आरिजे ममालिक होता है जो निजी मामलों की राय वगैरह का काम करता था, निजी विभाग था एक तरह से। इसी प्रकार से दीवाने रियासत था, दीवाने रियासत कह दो या दीवाने रिसालत कह दो, एक ही विभाग है और ये कार्य विदेश मंत्री की तरह करता था, विदेश विभाग इसके अंतर्गत था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए सद्र उस सुदूर यानी एक धर्म विभाग हुआ करता था ये अलग से, और इसका कोष अलग था। जकात से प्राप्त जितना भी धन था ये धर्म विभाग उसको इकट्ठा किया करता था। इसके अतिरिक्त काजी उल कुजात होता था अलग से, जो न्याय का न्याय करता था, यानी न्याय का अलग निर्णय करता था, न्याय मंत्री की तरह ही काम किया करता था ये। इसी प्रकार से बरीदे मुमालिक सूचना के विभाग थे। दरबार के राज महल के अंदर 6 प्रकार के कर्मचारी हुआ करते थे, वकीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजी, अमीर ए शिकार, अमीर ए मजलिस, सर ए जहोदार। मजलिस एक प्रकार की संसद हुआ करती थी, अमीर ए मजलिस। ईरान की संसद का नाम आज भी मजलिस है, इसी के नाम पर यह मजलिस पड़ा है। यो अगर देखा जाए सल्तनत काल के अंदर इस शासन व्यवस्था को पूरा देखा जाए तो सैन्य धर्म जो है सापेक्ष राजतंत्र था। युद्ध के समय लूट भी होती थी और ये लूट का सामान जो है उसको खम्स कहते थे, जिसको बांट लिया जाता था। प्रांतीय शासन देखें तो वो केंद्रीय शासन के जैसे ही था। प्रांतपति जो थे उनको वली कहते थे, आजकल मुख्यमंत्री कह देते हैं या नाजिब कह देते थे। प्रांतपति की नियुक्ति जो है वो सुल्तान स्वयं करता था। वर्तमान में जनता प्रांतपति की यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या करती है। सिख जिले का राजस्व जो है वो अधिकारी होता था। वर्तमान में अगर देखा जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा के सदस्य करते हैं और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण जनता करती है व्यस्क मताधिकार के आधार पर। तो इस प्रकार से उस समय सुल्तान क्या करता था, सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था, यानी पूरे जिले के अंदर आय इकट्ठी करने वाला अधिकारी था सिख। ऐसा मानते हैं कि अगस्त 1206 से 1526 ईस्वी तक का दिल्ली का सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा जो है वो घटती बढ़ती रही, यानी सुल्तान की जो सैनिक शक्ति थी वो घटती भी रही और बढ़ती भी रही, जिससे इस साम्राज्य का पतन हो गया और एक नया साम्राज्य बना जिसका नाम था मुगल कालीन भारत।